हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एग्जाम के अंदर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। इससे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगी। कुछ ऐसे 5 मूल मंत्र भी मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट, मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें। एंड आज हम बात करेंगे जो मेजरली स्टूडेंट्स देखिए मिस्टेक कर देते हैं बीएड में व्हाइल राइटिंग द आंसर, क्योंकि हमें बैचलर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक तरीका हमने अपना लिया है आंसर्स लिखने का, जो एक्चुअल में बीएड के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। बीएड के अंदर डिमांड होती है एज अ टीचर आप कैसे आंसर लिखते हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स के आइडियल आप हैं, तो आपको देखिए खुद से भी बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। तो आपके एग्जाम्स में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो गलतियां नहीं करनी है वो आज इस वीडियो का जो है विषय रहेगा। सबसे पहली गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं वो होता है लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिखना। कुछ इस तरीके से लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिख दिया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू है और एंड में खत्म है। कोई भी यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है बीच में, पैराग्राफ चेंज नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या किया हुआ है, सीधा ऊपर से लिखना शुरू और नीचे तक लिखते हुए चले आए हैं, राइट? तो ये एक गलत तरीका है। अगर आपको लिखना है तो शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखें, वो भी कम ही लिखें, ज्यादा कोशिश करें आप पॉइंट्स में लिखें। अगर आप इस तरीके से लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो सॉरी, आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक करेक्ट वे नहीं है प्रेजेंटेशन का। सेकंड हम बात करें तो देखिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन का यूज नहीं करते हैं प्रॉपरली, यानी कि आपने यहाँ पे जो है ब्लू पेन से ही पूरा आप लिखे जा रहे हैं, ठीक है? कुछ भी आपने हाईलाइट नहीं किया है, कुछ भी पेंसिल से या पेन से भी अंडरलाइन नहीं किया है, एंड ब्लैक पेन से हेडिंग्स को नहीं डाला है और ब्लू पेन से ही हेडिंग्स है, सब कुछ है। मतलब ब्लू पेन का ही आपके ओवरऑल पेपर में यूज है, ना कोई पेंसिल का यूसेज है, ना अंडरलाइनिंग की गई है और ना ब्लैक पेन का यूज किया गया है। तो ये भी एक गलत तरीका है, इससे प्रेजेंटेशन आपकी उतनी इफेक्टिव और उतनी अच्छी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो इस तरीके से भी अगर आप लिख रहे हैं तो इसको अवॉइड करें। अब तीसरे पॉइंट पे आएंगे। देखिए, तीसरी गलती जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है यहाँ पे हेडिंग्स को ना लिखना। देखिए, या हेडिंग लिखते हैं तो जस्ट जो एक पेपर क्वेश्चन में आपका मेन टॉपिक है वो हेडिंग डाल दी और बाकी कोई सब हेडिंग्स नहीं है, तो उस तरीके से भी आपको नहीं करना है। कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग्स को डालना है। और अब मैं एक स्टूडेंट का आपको आंसर शीट दिखाती हूँ, उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा जिसमें कोई भी हेडिंग्स नहीं है और सिंपली बस पूरा टॉपिक लिख दिया है। तो इस तरीके से भी कुछ आपको नहीं करना है, राइट? सो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको इसी तरीके से आपको जो है उनके टॉपिक्स भी लिखने हैं और सब टॉपिक्स भी प्रॉपरली हाईलाइट करते हुए विद यूजिंग ब्लैक पेन, और उसको भी चाहे तो पेंसिल से अंडरलाइन करते, ऐसे करना है, राइट? और ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, बिना फ्लो चार्ट के आपका आंसर उतना प्रेजेंटेबल नहीं लगता। हो सकता है आपको नॉलेज पूरी हो, आपको आंसर पूरा अच्छे से आता हो, आप में यहाँ पे कैपेबिलिटी हो कि 16 में से 16 नंबर आप ला सके, या 20 में से 20 नंबर ला सके, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 ला सके। बट देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो अभी तक मार्क्स कटे हैं, अगर आपने कोई बीएड का एग्जाम दिया है तो वो प्रेजेंटेशन के कटे हैं, और अगर आपने देखिए बीएड का एग्जाम नहीं दिया है तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर आप इस तरीके से ये 3 गलतियां नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैंने जो आई बटन में देखिए वीडियो का आपको लिंक दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। ऑल्दो 2 वीडियोस हैं, एक में सिर्फ मैंने आपको देखिए टेक्निक्स बताई हैं, मूल मंत्र बताए हैं अच्छे मार्क्स लाने के, 5 मूल मंत्र हैं ऐसे, और एक में मैंने प्रॉपरली आपको आंसर शीट दिखा के बताया है कि किस तरीके से आंसर लिखना है। तो आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें अपने एग्जाम से पहले और इन चीजों को फॉलो डेफिनेट
डेफिनेटली करें, आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बिल्कुल आएंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ यही जानकारी देनी थी आपको। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। जय हिंद।